बिहार एसआई मेंस की फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ के वीडियो नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ की, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट पे जाके बाकी के 3 वीडियो भी आप देख लीजिए, ताकि आप डे नंबर 1 से लेकर एकदम आखिर तक इस पूरी टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकें। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को PDF वाइज परचेज करने के लिए या फिर इन दिए गए एग्ज़ाम्स में से किसी एक की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं इस समय, तो पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे 2 ऑफिशियल नंबर हैं, जिन पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। हरियाणा में एक स्थित एक शोध संस्थान है, एक बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल हरियाणा में है। तो बताइए कौन सा ऐसा साल है जिसमें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग मिला था 1989 में। डी, हरियाणा की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा के अंदर फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद। हरियाणा PCS या फिर हरियाणा जो SSC का एग्ज़ाम होता है, अगर कोई लोग यहाँ से देना चाहते हैं तो हरियाणा GK से संबंधित क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाइए साथ के साथ। जहाँ तक इसके स्थापना वर्ष का सवाल है, NDRI का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो आपको अंडे उन मुर्गियों से मिल सकते हैं जो अंडा देने में सक्षम है, और जो अंडा देने में सक्षम नहीं है उनसे मीट मिल सकता है आपको, तो मांस और अंडा दोनों ही उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सी, बाकी जहाँ तक शहद का सवाल है, तो शहद अगर आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा एपिकल्चर, जिसके अंतर्गत आप मधुमक्खियाँ पालते हैं, ना सिर्फ शहद बल्कि वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए भी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे मणिकरण पावर प्लांट, जो कि जियो थर्मल एनर्जी पे चलता है, ये स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में। हिमाचल प्रदेश में 2 फेमस टूरिज़्म के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं, कुल्लू और मनाली, उसी में से एक है कुल्लू जहाँ पे ये स्थित है। सी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू BANDARU दत्तात्रेय। बाकी ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्किम इंडिया में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रेल वाली सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे ट्रेन नहीं चलती। सिक्किम का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम कमेंट करके बताइए, बिकॉज सिक्किम में तो ट्रेन चलने से रहीं, तो वहाँ के आसपास का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो बताइए। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। हरियाणा के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से आता है और इसकी राजधानी है इम्फाल। इनमें से कौन सा ऐसा महासागर है जहाँ पे एक रिज स्थित है जिसका नाम है 90 ईस्ट रिज, तो ये है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर बी। जहाँ तक पैसिफिक ओशियन का सवाल है, तो वो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, और दुनिया की जो सबसे गहरी पॉइंट है, यानी उस जगह से ज़्यादा गहरी कोई जगह हो नहीं सकती, ये है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में ही पड़ती है। अच्छा, बर्म्यूडा ट्रायंगल इनमें से कौन से महासागर में है, उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल ये बताना है आपको। वैसे रिज का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाए जो कि बहुत सारे पहाड़ों से मिलके बनी है,
बहुत सारे पहाड़ों का एक ग्रुप ले लिया आपने, एक सीरीज ले ली उनकी और उससे एक लाइन बना दी, और ये पहाड़ आइलैंड में भी हो सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ओशियन का नाम सामने आया। हिंदी के कैलेंडर के अनुसार जो उसका प्रथम महीना है जिसका नाम है चैत, यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। और ये त्यौहार मनाया जाता है कि स्पेसिफिक जाति द्वारा झारखंड में, इस जाति का नाम है उराव, मुंडा और हो, तीन तीन जनजातियाँ इसको मनाती हैं। तो इस त्यौहार का नाम है सरहुल, ऑप्शन डी। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम निकट है तो बिहार और झारखंड से जितने भी संबंधित तथ्य हैं साथ साथ में आप उन्हें प्रिपेयर करते जाइए। जहाँ तक झारखंड की बात है तो ये पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर साल 2000 में बिहार से इसको अलग करके एक ऑफिशियल राज्य का दर्जा दे दिया गया। सर्वोदय योजना का संबंध इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी से है? तो ये संबंधित है जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन सी। ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे और बाद में इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जनता पार्टी। बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। 1965 में इनको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और 1999 में डेथ के बाद इन्हें मिला था भारत रत्न। और उसके अलावा ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल थे, और ये अपने ज़माने में युवा नेताओं के एक तरीके से इंस्पिरेशन साबित होते थे, कि युवा नेता इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते थे और इनकी काफ़ी बातें मानते भी थे। जहाँ तक लालू प्रसाद यादव की बात है तो ये बिहार के एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन पर जो भी इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं उनको हम साइड में रख के इनके अचीवमेंट की बात करें तो ये साल 2004 के आसपास केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्रालय इनके हाथ में था, ये पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो ये बिहार के करंट सीएम हैं, इस समय बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, और रामनाथ कोविंद जो कि पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, ये इस समय देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी भी हैं मतलब अपनी पोस्ट पे। अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? 2022 में मोस्ट प्रोबेबली। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है? तो ये है जम्मू और कश्मीर, जो कि साल 2019 के बाद से राज्य नहीं रह गया है, ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो चुका है। तो आंसर हुआ इसका बी, जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, आसपास इसके कोई भी सागर या महासागर आपको नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर भले ही आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसकी कैपिटल सिटी वही है जो पहले थी, श्रीनगर। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो ये पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, साल 2000 में इसको यूपी से काट के अलग कर दिया गया और इसे ऑफिशियल राज्य घोषित कर दिया गया। एग्जैक्ट डेट आप कमेंट करके बताइए ऐसा कब हुआ था, यूपी पीसीएस का एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। उत्तराखंड के बारे में एक और फैक्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, जो कि बन गई है गैरसेंण। गैरसेंण। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि इंडिया से सबसे लंबी स्थलीय सीमा शेयर करता है, यानी लैंड से जो सीमा बनी होती है, जो स्थल से बनी होती है? ये देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका और जिसकी करेंसी है टका। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन साल 2020 का सबसे चर्चित देश बन चुका है, और रीज़न इसका आप जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस हो चुका है काफ़ी कुछ। अच्छा, आप एक बात और चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि जलीय सीमा जो है वो कौन सा देश इंडिया से सबसे लंबी शेयर करता है, ये बताइए। सांगला वैली इनमें से कौन से राज्य के कौन से शहर में स्थित है? तो ये ऑब्वियस सी बात है हिमाचल प्रदेश में है। एग्ज़ाम में इसका प्रदेश भी पूछ सकते हैं तीन ऑप्शन अलग दे के, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश, और उसमें से जो किन्नौर जिला है वहाँ पे है सांगला घाटी, डी।
कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफना देने के एविडेंस यानी प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो ये जम्मू और कश्मीर के बुर्ज होम से मिले थे, जो कि एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन ए, काफ़ी पुराना लोकेशन है जम्मू और कश्मीर में, बुर्ज होम ए। अच्छा ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से सेम चीज़ आपको मिली है कि मालिक के साथ कुत्ते भी दफना दिए जाएं? ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल और कितने सूक्त आपको देखने को मिलेंगे? तो आपको 10 मंडल और 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि कितनी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, ऋग्वेद के अंदर कितनी शाखाएं हैं ये पूछें, तो आंसर होगा 3। तो 10 मंडल और उसके बाद 1028 सूक्त, ऑप्शन बी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ये डेडिकेटेड है मंत्र और श्लोक को। जितने भी मंत्र और श्लोक उस समय हिंदू माइथोलॉजी के अंदर पॉपुलर थे, वो सारे के सारे आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे एक साथ। लेकिन कंटेंट तो ऑब्वियस सी बात है, ऋग्वेद का काफ़ी ज़्यादा होगा। ऋग्वेद के अलावा 3 और इम्पॉर्टेंट वेद हैं, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जहाँ तक ऋग्वेद के मंडल की बात है, तो मंडल नंबर 2 से 5, 2 से 7 मतलब, सॉरी, जो मंडल नंबर 2 से 7 हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं, सबसे पुराने हैं। और 1 और 10, ध्यान रखिएगा 1 से 10 नहीं, 1 और 10 जो मंडल हैं वो सबसे नवीनतम मंडल हैं। ये भी बात ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसका इंस्क्रिप्शन वहाँ से मिला है? तो ये है यशोवर्मन, जो कि उस टाइम पे मालवा का राजा हुआ करता था। सी, यशोवर्मन के बारे में जानकारी के कोई खास स्रोत उपलब्ध नहीं है आज की डेट में। सिर्फ इसके इंक्रिप्शन जो कि मध्य प्रदेश से मिले थे 2 जगह से, वही इम्पॉर्टेंट हैं और वही इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, इसीलिए इसकी जानकारी काफ़ी विवादास्पद भी है। बाकी राजा भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकेंड, इन्हें विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ था। और इनके पिता की अगर बात करें तो ये थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे थे ये, और ये वही समुद्रगुप्त हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था, भारत का नेपोलियन। इनके अलावा राजा राज प्रथम, ये चोल वंश के बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा थे, और इनका एक फेमस काम है जो कि आज भी इंडिया के अंदर एविडेंट है। इंडिया में एक मंदिर है तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है। इनका निर्माण इन्हीं ने ही कराया था, राजा राज प्रथम ने। अकबर की बात करें हम अगर, तो ये मुगल वंश से संबंधित राजा है, जो कि इसलिए फेमस थे अपने टाइम पे क्योंकि हिंदू लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। गंधर्व विवाह से आप क्या समझते हैं? तो गंधर्व विवाह मॉडर्न टाइम पे लव मैरिज के नाम से जाना जाता है, यानी कि विवाह भी हो जाए और पेरेंट्स को पता भी ना चले, यानी कि माता पिता की इच्छा के बिना गुप्त रूप से विवाह कर लेना। डी, ये सब जो टर्म्स हैं जैसे कि गंधर्व विवाह, असुर विवाह, प्रजापत विवाह और ऐसे ऐसे 8 टर्म हैं कुल मिला के। तो इससे क्या पता चला हमें कि वैदिक कालीन सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह उस समय पॉपुलर थे, जिसमें से एक है गंधर्व विवाह। जहाँ तक कन्या को किडनैप करने की बात है, तो इसे कहा जाता था असुर विवाह, असुर विवाह। और जहाँ तक कोई ढंग का लड़का ना मिलने पर पुरोहित के साथ विवाह करने की बात है, तो इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, पुरोहित विवाह कहते थे। चोल कालीन सभ्यता में, यानी कि जब चोल वंश का साउथ इंडिया में राज था, तो उस समय ब्राह्मण को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय, ऑप्शन ए। चोल वंश में अगर हम बात करें तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 5 टाइप की लैंड ग्रांट उस समय दी जाती थी। उस समय कितने प्रकार के भूमि दान पॉपुलर थे? तो 5 प्रकार के। ये रही बाकी के 4 प्रकार के भूमिदान की लिस्ट, जिसमें से पहला है वेल्लन वेगाई। वेल्लन वेगाई
एक ऐसी लैंड ग्रांट थी, एक ऐसा भूमिदान का प्रकार था जो कि ब्राह्मण के अलावा सबको मिल जाता था, ब्राह्मण को अलग से मिलता था ब्रह्मदेह। तो ये नॉन ब्राह्मिन्स के लिए था, वेल्लन वगई, नॉन ब्राह्मिन्स। इसके अलावा एक साल भोग था, ये स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो भूमि लगती थी उसके लिए था, कि अगर आपके पास कोई स्कूल है उसकी मेंटेनेंस के लिए आप भूमि चाहते हैं तो वो आपको एज अ दान मिल जाएगी फ्री में एकदम। साल भोग, देवदान का मतलब है कि मंदिर बनवाने के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए देवदान। इनमें से कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने राजा राम मोहन रॉय को राजा का दर्जा दिया था? पहले इनका नाम राम मोहन रॉय था, इनके नाम के प्रीफिक्स में राजा लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अकबर शाह द्वितीय को, ऑप्शन बी। अकबर शाह द्वितीय के बारे में अगर थोड़ी डिटेल हम देखें तो इनके पिता का नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम जो है वो अकबर द्वितीय के पिता थे, शाह आलम। ये वही शाह आलम है जिन्होंने 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये तो हो गया इनके पिता के बारे में। इनके पुत्र भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये शायरी बड़ी अच्छी करते थे, इस वजह से इन्हें जफर कहा जाने लगा। और ये वही हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के बादशाह बन गए थे, और लोगों ने इनको मान भी लिया था कि इनका शासन उस समय लोगों को स्वीकार था लेकिन अंग्रेजों का नहीं। तो ये इनके पुत्र के बारे में हो गया। नादिर शाह एक विदेशी आक्रमणकारी है जो कि 1739 में भारत आया था, और उसने पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, शाहजहां की जो मोर के शेप की जो गद्दी थी जो कि स्वर्णाभूषणों से हर समय लदी रहती थी, और उसमें एक कोहिनूर हीरा भी था, सब का सब वो लेके चला गया था। और 1747 के बाद पीकॉक थ्रोन कहाँ है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोहिनूर हीरा कहाँ पे है, इस समय किस देश के पास है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा साल और कौन सी ऐसी एग्जैक्ट डेट है जहाँ पे मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से समाप्त मान लिया गया? जिस एक्ट के तहत ये किया गया था उसे कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद से पास हुआ था, हाउस ऑफ कॉमन से, और 1 नवंबर 1858 से प्रभावित हो गया था, और वही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1858। इस एक्ट के और भी कई सारे प्रोविज़न हैं जिसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सीधे सीधे बना दिया गया वॉइस रॉय, और देश के पहले वॉइस रॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। जब ये एक्ट पास और उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह में, जिसे क्रांति भी कहा जाता है, वहाँ पे बिहार से जो नेता थे विद्रोह के वो थे कुंवर बाबू सिंह। इनका जन्म तो जगदीशपुर में हुआ था, लेकिन ये बताइए इन्होंने लड़ाई की शुरुआत कहाँ से करी थी? तो दानापुर से, सी। बाकी बिहार के ज़िले और भी इम्पोर्टेंट हैं, किशनगंज की जहाँ तक बात है तो आज की डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। उसके अलावा चंपारण एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे महात्मा गांधी ने देश में वापसी के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह चालू किया था। हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1927 को, ऑप्शन डी। ये हरकोर्ट बटलर वही हैं जिनके नाम पे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज की डेट में ये गैर सरकार अर्ध सरकारी हो गया है, मतलब ये यूपी का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज भी है आईआईटी रुड़की के बाद। रुड़की वैसे अब उत्तराखंड में चला गया है। इसे HBTI कानपुर के नाम से जाना जाता है। जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट हैं वो अपना नाम बता सकते हैं नीचे। बाकी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। साल 1927 मॉडर्न इंडिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वही साल है जहाँ पे साइमन कमीशन भारत में आया था,
और साल 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका विरोध करते हुए जब इन पर लाठीचार्ज किया गया था। साल 1929 और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, क्योंकि ये वही साल है जहाँ पे लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ से आगे डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस आगे जितने भी काम करेगी वो पूर्ण स्वराज के लिए करेगी, मतलब अंग्रेजों को भगा के इंडियंस का शासन लाने के लिए। 1934 का साल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम एन रॉय ने सबसे पहले पेशकश की थी कि आज़ादी की बात बाद में करेंगे, पहले देश का अपना संविधान होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश ऑफिशियली आज़ाद हुआ था, तो बिहार के नए गवर्नर चुने गए थे। बताइए कौन चुने गए थे? इनका नाम है जयराम दास दौलत राम बी। बाकी इस समय बिहार के गवर्नर कौन है ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी स्थापना वैसे 1912 में हो गई थी। पहले मुख्यमंत्री 1946 से माने जाते हैं मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह, जो कि 1961 तक रहे थे। और साल 2000 में बिहार का पार्टीशन हो गया था और इससे एक नया राज्य निकला था जिसका नाम है झारखंड। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बिहार जो है वो अपनी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ बनाता है, सही है एकदम। बिहार अपनी दक्षिणी सीमा झारखंड के साथ बनाता है, क्या? बिल्कुल सही है। बिहार ईस्ट में अपनी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बनाता है, क्या? तो जी नहीं, बांग्लादेश से पहले हमारे देश का ही एक राज्य पश्चिम बंगाल पड़ता है, उससे ये सीमा बनाता है, बांग्लादेश से डायरेक्ट नहीं बनाता। सी, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। बाकी चौथा एकदम सही है। बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश से बनाता है अपनी पश्चिमी सीमा। इनमें से बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। कचनार जो है, कचनार ये बिहार का राजकीय पुष्प है। उसके अलावा जैस्मिन की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। बाकी सनफ्लावर और रोज किसी भी राज्य के राजकीय पुष्प नहीं है। बिहार का राजकीय पशु और पक्षी बताइए। तो जहाँ तक पशु का सवाल है तो इसका नाम है गौर। गौर ये एक प्रकार का बैल है। तो पहला तो हुआ बुल, और उसके बाद जहाँ तक स्टेट बर्ड का सवाल है तो वो है हाउस स्पैरो, यानी स्पैरो, ऑप्शन ए। बाकी स्वैम्प डियर यानी बारहसिंघा, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो वो है सारस। ये सब बातें आप उत्तर प्रदेश और बिहार में रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं। बिहार की राजकीय भाषा और वहाँ पे जो स्टेट ट्री है, राजकीय वृक्ष, उसका नाम बताइए। तो बिहार में दो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती हैं, हिंदी और उर्दू। और उसके अलावा पीपल यानी सैक्रेड फिग यहाँ का स्टेट ट्री है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हुआ। बाकी नीम आप ध्यान रख लीजिए, आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री है। नीम उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये फिर भी आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री है। बाकी बरगद का पेड़, दो दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो स्टेट ट्री है, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ का है बरगद। बिहार में कितने जिले हैं पहले तो ये बताइए, और उसके बाद ये बताइए कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, मतलब। तो वो है शेखपुरा, और कुल मिला के 38 जिले इस समय बिहार में हैं। सी, इस पूरी टेस्ट सीरीज में बिहार के जितने भी फैक्ट होते हैं वो रिवाइज करा दिए जाएंगे। तो नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक पूरे वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए, भले ही आप बीपीएससी के लिए अपियर हो रहे हों या फिर एसआई मेंस दे रहे हों। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है, वहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? तो वो है पूर्णिया। और अगर आपसे ये पूछ लेते कि जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो बन जाता रोहतास।
फिलहाल इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है? तो इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है, वो है किशनगंज, डी पूर्णिया और किशनगंज। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी? तो 16 अप्रैल 1930 इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट मानी जाती है। किन्हीं किन्हीं सोर्सेस में आपको 15 अप्रैल मिल जाएगा, तो तारीख इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका साल इम्पोर्टेंट है 1930। और बिहार में ऐसी ऐसी दो जगहें हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, पहला है सारण और दूसरा है चंपारण। ए बिहार की राजधानी पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और ये मगध किंगडम के अंतर्गत आता था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। 51 है कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे हरिया बारा हिरण पार्क स्थित है? तो ये है अररिया, ऑप्शन बी। बाकी जो नालंदा है वो प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, और उसके अलावा एक मुस्लिम मिलिट्री लीडर था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, इसने इसको जाके नष्ट कर दिया था। भोजपुर ना सिर्फ बिहार में जिला है बल्कि एक भोजपुरी एक बोली है वहाँ की, और इसका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, जैसे जौनपुर, वाराणसी और आसपास के रीजन। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से ऑपरेशन ब्लैक पैंथर की शुरुआत की गई थी? तो ये है वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी। जहाँ तक ऑपरेशन ब्लैक पैंथर की बात है, तो इसकी जब शुरुआत हुई थी तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1985 की बात है, 22 मार्च 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट चंपारण से, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वहाँ पे उस टाइम पे किडनैपिंग गैंग चल रहा था जोर शोर से, उसका समापन करना, उसका अंत कर देना पूरी तरीके से। हालांकि ऐसा हो तो नहीं सका, बहुत ज़्यादा सफलता इस ऑपरेशन को नहीं मिली, लेकिन जोर शोर से शुरुआत ज़रूर हुई थी इसकी। ऐसे दो रंग बताइए जिनमें से पहला ऐसा होना चाहिए जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो, सबसे लंबी वेवलेंथ वाला कलर, और दूसरा ऐसा बताइए जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, विबग्योर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक विजिबल कैटेगरी होती है जिसके अंतर्गत 7 रंग आते हैं विबग्योर, और विबग्योर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जैसे जैसे आप वी से बी आर आगे बढ़ेंगे ना, वी से चालू करके आई बी जी वाई ओ आर, वैसे वैसे कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती जाएगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है? आर यानी कि रेड, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की हुई, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई वॉयलेट की, ए। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया होता कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो, तो फ्रीक्वेंसी के मामले में वॉयलेट आगे निकल जाता और सबसे पीछे रह जाता रेड। इसका करेक्ट होगा ए। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतली तार होती है जो कि अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप तो सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगी, सिलेंड्रिकल टाइप का ट्यूब होगा जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है। आप यहाँ पे ये बताइए कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही हो, डेंसर से रेयरर यानी भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ बढ़ रही हो, और दूसरी बात यह है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए, सॉरी वो छोटा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जैसे ही लाइट रे गिरी वहाँ पे जो एंगल बना वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, इन दो मीडियम के लिए, एक डेंसर दूसरे रेयरर के लिए। तो ये TIR हो गया, और TIR का एक मेजर एप्लीकेशन ये है कि रेगिस्तानी इलाके में आपको ऐसा आभास हो जाता है कि आसपास पानी है जबकि होता कहीं कुछ नहीं है, इसे कहते हैं मिरेज यानी छलावा। ये भी परिणाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, और रिफ्रैक्शन के भी कई सारे यूजेस हैं कि जैसे ये है गिलास, इसमें भरा है पानी और आपने डाल दिया सिक्का, जब आप सिक्के के ऊपर से देखिएगा तो
तो वो कम गहराई पे नजर आएगा, जबकि होगा वो ज्यादा गहराई पे। ये है अपवर्तन का परिणाम। और भी ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आपको हमारे साइंस के पापा वीडियो में मिल जाएंगे, क्लास 7 और क्लास 10 वाले पार्ट में। इंटरफेरेंस की बात करें तो ये फिनोमिना तब काम करता है जब लाइट वेव के तरीके से बिहेव करे, पार्टिकल के तरीके से नहीं। और स्कैटरिंग के भी अनेकों परिणाम हैं। सबसे पहले तो ये है कि आसमान नीला दिखता है, समुद्र नीला दिखता है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से। और कई बार आपने देखा होगा घर में छोटा सा छेद है, वहाँ पे जब रोशनी आती है तो साथ में धूल भी चली आती है, वो भी इसी का परिणाम है। 55 नंबर में बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। तो पहला है कि पावर की यूनिट नॉट होती है क्या? नहीं होती। नॉट को लिखा जाता है NUT से, और ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि पानी के जहाज की स्पीड बताती है। तो पानी के जहाज की स्पीड डिसाइड होती है नॉट से। एक दूसरा टर्म होता है सेम चीज़ से संबंधित, यानी पानी के जहाज से संबंधित, जो कि है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल आपको बताता है कि पानी के जहाज ने कितनी दूरी तय की। तो नॉटिकल माइल मेज़र करता है डिस्टेंस, जबकि नॉट मेज़र करता है स्पीड। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ से गलत। दूसरा है डायमेंशनल फार्मूला जो है वो वर्क और पावर के लिए सेम होता है क्या? नहीं होता। वर्क और टॉर्क, या फिर कह लीजिए एनर्जी और टॉर्क, इनका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम होता है। ये भी गलत। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही बात सही है। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी क्यों गलत होगा? बिकॉज प्रेशर की एसआई यूनिट यहाँ पे इम्पल्स बताई गई है। अरे इम्पल्स कोई यूनिट थोड़ी ना है, वो तो क्वांटिटी है। इम्पल्स का मतलब होता है कि मोमेंटम कितनी तेजी से बदल रहा है। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसे भी आप बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे टेम्परेचर को नापने के काम में आता है? तो ये है पायरोमीटर। और पायरोमीटर की रेंज 800 डिग्री से शुरू होती है, इससे नीचे का टेम्परेचर ये मेज़र कर ही नहीं सकता है। डी एम मीटर की जहाँ तक बात है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। इलेक्ट्रिक करंट, एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में होता है गैल्वेनोमीटर, जो सिर्फ ये चेक करता है कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस में करंट है या फिर नहीं। केवल डिटेक्शन, यानी है या फिर नहीं, बस ये बताना है कितना है, ये नहीं, ये आपका एमीटर बताता है। फोटोमीटर की जहाँ तक बात है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्ट्रेंथ नापने के काम में आता है, उनके वेव्स की। और इसमें यूवी, आईआर और विजिबल रेंज कवर हो जाती है। रेडियोमीटर की जहाँ तक बात है तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का नाम तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ को मेजर करता है, यानी कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है गिवन टाइम में, ये मेज़र करता है रेडियोमीटर। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो गया है डी। डॉब्सन यूनिट इनमें से किस चीज़ को नापने के काम में आती है? तो ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और इस लेयर का काम होता है अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि सूरज में से निकल रही हैं उसको पृथ्वी तक पहुंचने ना देना। और ये वाली लेयर सिर्फ और सिर्फ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही डैमेज हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये था ओजोन और उसकी लेयर के बारे में। अब इसकी थिकनेस को मेज़र करती है डॉब्सन यूनिट बी। बाकी आप देखिए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापी जाती है रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल, पानी किस गति से बह रहा है ये चीज़ नापी जाती है पाइटेट ट्यूब से, जो कि पानी की वेलोसिटी नापता है और बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। इसे फ्लो मीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया जल बहाव के बारे में। हाई टेम्परेचर के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, पायरोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अगर हमारे मुख का pH लेवल 5.5 से नीचे चला गया तो जाहिर सी बात है हमारा मुंह एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो इनामिल पर बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनामिल सड़ जाता है और दांत भी उसी कारण से सड़ जाते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, सी। इसीलिए जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि
वो ज़्यादा एसिड के कंटेंट को रेगुलेट करने के काम में आता है। 59वें में बताइए कौन सा विकल्प एकदम सही है। एसिड जो है वो लिटमस पेपर जो कि लाल था उसको नीला बना देता है, ऐसा नहीं है। एसिड उल्टा काम करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, गलत। एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गलत। इंसुलेटर होते हैं दोनों नॉर्मल कंडीशंस में। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं। बेस जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, अरे ये काम तो एसिड का है बेस का नहीं है। बेस जो है वो लाल से नीला बनाता है जैसा ऑप्शन ए में दिया हुआ था। एसिड और बेस दोनों कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कुचालक हिंदी मीडियम में सही लिखा है, इंसुलेटर होते हैं, यहाँ कंडक्टर की जगह इंसुलेटर कर लीजिएगा। बिल्कुल होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में बढ़िया कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उससे एच प्लस और ओ एच माइनस आयन्स दोनों ही बाहर आ जाते हैं और इन्हीं की वजह से कंडक्शन होने लगता है आगे। ओ एच माइनस आयन्स कहीं और से आते हैं, एसिड से तो मेजरली एच प्लस आते हैं। जिस तरीके से टार्टरिक एसिड का संबंध इमली के साथ है, तो टमाटर का किसके साथ होगा? हमें ये पता है कि इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, और ये वही टार्टरिक एसिड है जो कि केक से कड़वापन कम करने के काम में आता है बेकरी शॉप में। तो यहाँ से टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ये ऑक्जेलिक एसिड होता है बी, और ये सेब में भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। मिथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का मतलब सेम है, CH3COOH। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है जबकि मिथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, और ये वही एसिड होता है जो कि सिरके के रूप में यूज़ होता है, विनेगर में इस्तेमाल होता है इसका। साइट्रिक एसिड जो है वो साइट्रस फ्रूट में इस्तेमाल होता है जिसमें संतरे, नींबू, ये खट्टे फल शामिल होते हैं, प्लस मौसमी। जब चांदी से बने हुए ऑब्जेक्ट को, चांदी की वस्तुओं को जब आप खुले में रख देते हो खुली हवा में कुछ दिन के लिए, तब आप देखते हो कि वो काली पड़ चुकी है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब सिल्वर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है ना, तो वो सल्फर का निर्माण करता है, और यही सल्फर चांदी के साथ मिलके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और किसी चीज़ की सल्फाइड हमेशा आपको काला रंग ही देती है, पता होना चाहिए। ए बाकी आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन से मेटल जंग लगने पर कैसा कैसा कलर देते हैं। तो जो लोहा है वो ब्राउन कलर देता है, लोहे की जंग आपने देखी ही होगी कई बार। जो कॉपर होता है उसमें सबसे देर में जंग लगती है, लेकिन एक बार लग गई तो वो हरा कलर देता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि तीन चीज़ें बनाने के काम में आता है? आयोडीन का टिंक्चर, खांसी का सिरप और टॉनिक। तो ये इथेनॉल होता है, यानी इथाइल अल्कोहल, यानी C2H5OH, और ये अल्कोहल इन नेचर है, इस वजह से अल्कोहल और इथेनॉल दोनों को टिक करना पड़ेगा, बी को। बाकी मिथेनॉल इंडस्ट्रियल पर्पस के अलावा किसी और चीज़ में आप यूज़ कर नहीं सकते। मिथेनॉल आप पेंट में डाल सकते हैं, स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो जहर की तरीके से काम करती है। इनमें से कौन से टाइप का ऐसा टिश्यू है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल की बाहरी स्किन के आसपास होता है और वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है? जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो सुरक्षित रहें, ये चीज़ कौन मेक श्योर करता है? तो ये है एपिथेलियल टिश्यू, सी। इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और जहाँ तक इंसानों का सवाल है, तो उनकी स्किन में एक बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, वहीं पर ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कनेक्टिव टिश्यू ऐसी सेल्स से मिलकर बनते हैं जो कि आगे जाकर ऐसे ऑर्गन का निर्माण करें जो कि दो अलग अलग ऑर्गन को जोड़ दें। जैसे दो हड्डियों को जो आपस में कनेक्ट करे उसे कहा जाता है लीगामेंट, ये कनेक्टिव ऑर्गन है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। और एक होता है टेंडन जो कि एक मांसपेशी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, मसल टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करता है टेंडन।
नर्वस टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन को मिला के बनता है, जो आगे जाकर ऐसे ऑर्गन का निर्माण करते हैं जो कि शरीर के जितने भी इंटरनल ऑपरेशन हैं उसे कंट्रोल करें, जैसे हार्ट बीट, जैसे डाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से बनता है? जैसे ये है टाइप 1, टाइप 2, टाइप n, ऐसी अनेकों प्रकार की सेल को मिलाकर ये पूरा का पूरा एक टिश्यू तैयार होता है। और जब ये काम करता है तो पूरी एक यूनिट की तरीके सारी सेल्स वहाँ पे एक हो जाती हैं। ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं? तो चूंकि ये अलग अलग टाइप की सेल से बना है तो ऑब्वियस बात है इसका स्ट्रक्चर बड़ा टफ होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डी। बाकी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये जो टिश्यू हैं ये प्लांट स्पेसिफिक हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जहाँ पे जो कोलेनकाइमा है वो तब काम आता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ कट गया, उसको जड़ से नहीं उखाड़ा है, उसको बस काट दिया है बीच में से, तो जब वो दोबारा उगेगा तो ग्रोथ के टाइम पर कोलेनकाइमा टिश्यू एक्टिव हो जाएंगे और ग्रोथ में सहायता करेंगे। ये तो हो गया कोलेनकाइमा के बारे में। और पैरेनकाइमा ग्रोथ के अलावा जितने फंक्शन हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, रेस्पिरेशन करना, इन सब चीज़ों में सहायता करता है पैरेनकाइमा। प्लास्टिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो प्लास्टिड एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो आगे चलकर ऐसे ऑर्गन का निर्माण करें जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाए और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, जहाँ पे कलर देने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे कलर दे दे, अदरवाइज दूसरे फंक्शन। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं, ध्यान रखिएगा। और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला स्टेटमेंट सही है, इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो सफ़ेद कलर का होता है, ये गलत है। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर का होता है, सफ़ेद के अलावा कुछ भी। लेकिन जो प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, या फिर कह लीजिए वाइट होता है, इसीलिए सी भी गलत। डी इसलिए गलत क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है, जबकि सिर्फ प्लांट सेल में ये पाया जाता है। 66 देखिए, सेल यानी कि जो मानव कोशिका है वो सबसे पहली बार कब और कहाँ डिस्कवर की गई थी, कब और किसके द्वारा? मतलब तो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक और साल था 1665 बी। बाकी रॉबर्ट ब्राउन बहुत फेमस हैं, ठीक 100 साल बाद यानी 1765 में जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने सेल का न्यूक्लियस खोज निकाला था। तो न्यूक्लियस किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। और गोल्गी अपरेटस ये किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट गोल्गी द्वारा। गोल्गी अपरेटस इंट्रा सेलुलर ऑर्गन है, यानी सेल का भी छोटा सा ऑर्गन है जो कि सहायता करता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में, यानी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है और इसको कैसे दिखाते हैं? तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10²³, यानी किसी भी सैंपल में इतने एटम होते हैं अगर कार्बन 12 से उसे कंपेयर करेंगे तो, और इसे दिखाते हो आप एन नॉट से सी। कहीं कहीं पर 6.023 भी दिया रहता है, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फियर में हीलियम का परसेंटेज कितना है? तो हीलियम जो है वो 5 पार्ट पर मिलियन। अगर मान लीजिए पृथ्वी को हम 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो उसमें 5 टुकड़े आपको हीलियम के मिलेंगे। ये कुल मिला के मतलब है, यानी 0.555 और 0.0005% डी, 5 पार्ट्स पर मिलियन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है नाइट्रोजन का 78%, जो लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन है उसका कंटेंट काफ़ी कम होता है, सिर्फ 21%। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जल चक्र के दौरान हमें फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखें तो जल की तो आवश्यकता होती है, जबकि जल चक्र अगर आपको बनाना है तो जल आया कहाँ से ये भी देखना पड़ेगा। तो सोलर रेडिएशन यहाँ से करेक्ट हो गया बी, बिकॉज अगर सोलर रेडिएशन नहीं होगा तो यहाँ पे एवोपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पानी हवा बन के ऊपर जाएगा नहीं, वाष्प बन के, ना ही रेन बन के नीचे आ पाएगा।
ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में अगर टूट जाती है तो। एजेंडा 21 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, नॉट करेक्ट? तो क्या इसे अर्थ समिट के नाम से जानते थे? बिल्कुल जानते थे, ये सही है। रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, यहाँ पे ये 1912 में हुआ था। क्या ऐसा था? ये 1912 में नहीं, 80 साल बाद यानी 1992 में इसको आयोजित किया गया था। बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही गलत है। लेकिन अभी रुकिए, हो सकता है अगला भी गलत मिले। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी के उन्मूलन के लिए इसको लेकर के आए थे क्या? नहीं, इसको लेकर के आए थे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके पास इस समय जितने भी रिसोर्सेस हैं उससे ना सिर्फ आप अपनी ज़रूरतें पूरी करोगे बल्कि आगे आने वाली जो भी जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हुए उनके लिए बचा के रखोगे। तो ये सी भी गलत है, यानी ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 70 का हो गया डी। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, इंडिया के जो 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, भारत सरकार ने कब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है? आप साल बताइए। इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ओजोन की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं इसमें। ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये वही स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। 55 से 60 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस से, यहाँ पे ये पाई जाती है। ओजोन के बारे में पहले भी दो चीज़ें और डिस्कस हो चुकी हैं। 16 अक्टूबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, ये कारगिल वाला विजय दिवस नहीं है, ये 1971 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ उसकी विजय को मनाने वाला दिवस है 16 दिसंबर। 16 नवंबर बात कर लें हम तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस दिन मनाया जाता है यूएन डे इंटरनेशनल, वो भी फॉर टॉलरेंस, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा। वियना ट्रीटी जिसके अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया था, ऐसा कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को ये हुआ था। और अगर आपसे ये पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए, मतलब इसको लेकर के आए थे, तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि 1980s में पता चल चुका था कि ओजोन लेयर में अगले 20-30 साल में छेद हो जाएगा और यूवी रेस नीचे पहुंच जाएंगी, इसी वजह से उसको कंजर्वेशन के स्तर पर काम करने के लिए उस पर लोग सीरियस हो गए थे। ओजोन लेयर कंजर्वेशन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 72 का होगा सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 73 नंबर, बात करते हैं यहाँ पे, बताइए नील गाय का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बॉजिफेलस ट्रैगोकैमिलस बी। नील गाय कोई गाय नहीं है, इसको सिर्फ नील गाय बोलते हैं, एक टाइप का हिरण है जो कि ब्लू कलर का दिखता है। अगर आप रीसेंट बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तब आप देखते होंगे कि फलानी नील गाय ट्रेन के इंजन से टकरा गई और पायलट लोको पायलट को काफ़ी मशक्क़त हुई। ये नील गाय खेती के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, जहाँ पे खेती हुई हो वहाँ इन्हें नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ डैमेज होगी काफ़ी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बांदीपुर और अंशी नेशनल पार्क स्थित हैं, ये दो? तो ये है कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है और इसे कहा जाता है बेंगलोर को आईटी इंडस्ट्री का हब, बेंगलोर को सी। उसके बाद तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में शामिल है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, और इसे सिमलीपाल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पर लाल कलर के कॉटन के पेड़ होते हैं। तो 74 का हो गया है सी। सिमलीपाल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखिए, अभी थोड़ी गलती हो गई, वो छत्तीसगढ़ में नहीं, वो उड़ीसा में है जिसे 1980 में स्थापित किया गया था। और इसका सिमलीपाल नाम क्यों पड़ा ये तो आपको बता ही दिया है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है इसमें गुरु घासीदास,
गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, और इसके अलावा यहाँ पर सीता नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीता नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको ऐसे फैक्ट और भी डिटेल में जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जो कि स्टैटिक जी के पापा वीडियो होगा, बाइलिंगुअल में। उसमें प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, ऐसे सभी क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, कौन सी घाटी कहाँ है, कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे, ये सब क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स का टाइप है जो कि सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सीधे ये लोग नहीं लगाते, स्टेट का भी बराबर का अधिकार होता है, तो ये है स्टेट ड्यूटी ए। बाकी जीएसटी ये तो नेशनल लेवल का टैक्स है, किसी भी राज्य में लगेगा। 1 जुलाई 2017 से देश भर में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर तारीख आपसे पूछ लें तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का बन चुका है अब। बाकी सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब के सब केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं सीधे सीधे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस, पहली बात तो ये बताइए कब मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी जो कि यूएनएफपी ने की थी। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में आगे ये पूछ लें, यूएनएफपीए ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की शुरुआत की थी, तो आप ध्यान रखिएगा। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 11 जुलाई 1987। डी यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 29 नवंबर 2017 को भारत के 15वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नंद किशोर सिंह ने। बी फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, तभी इसको एक अलग आर्टिकल में जगह मिली हुई है। जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल के लिए गठित किया जाता है। अब यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी हैं रघुराम राजन, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे, इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शशिकांत दास। कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, इसको एक्सेप्ट किया था, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वही जीएसटी जो कि इंडिया में 1 जुलाई 2017 से आज दिन तक लागू है। तो ये देश बना था फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, 1954 में ये काम हुआ था उनके यहाँ। और दूसरा सवाल इसमें ये है कि जीएसटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो जीएसटी के बारे में बोला जाता है वन कंट्री वन टैक्स, यानी एक देश है तो कर भी एक ही होना चाहिए, वन कंट्री वन टैक्स। सी हर साल 5 जून को इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था, 1974 में। डी बाकी 1992 भी इंडिया के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पे 1992 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, 1986 में आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देश के सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और ये कब बने थे, तो ये थे सुकुमार सेन, जो कि बने थे 21 मार्च 1950 को। सी इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, और देश के अंदर काफ़ी सारे चुनाव को ये कंट्रोल करता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, और इवन स्टेट लेवल में भी जो विधानसभा यानी मुख्यमंत्री वाले इलेक्शन होते हैं वो भी यही चुनाव आयोग कराता है आर्टिकल 324। बाकी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के चुनाव कराते हैं। हमारे इस समय जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है मिस्टर सुनील अरोरा।
उसके बाद 82 नंबर है, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के जितनी भी पावर हैं और क्या क्या उनके कार्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में पूरा उल्लेख दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 324, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 83, कोलकाता हाई कोर्ट जो कि 1862 में बना था और ये देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट भी है, कोलकाता हाई कोर्ट, इसके जुरिडिक्शन में कौन कौन से राज्य जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल तो ऑब्वियस सी बात है आता है, लेकिन उसके अलावा अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है वो भी इसी के जुरिडिक्शन में आते हैं। बी, देश का जो सबसे रिसेंटली स्टेब्लिश्ड यानी कि जो सबसे नया हाई कोर्ट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और ये 1 जनवरी 2019 को एग्जिस्टेंस में आया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत। उसके बाद 81 नंबर देख लीजिए, ये छूट गया था, 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है, किस लिए ये संशोधन किया गया था? तो दल बदल कानून, जिसका जिक्र 10th शेड्यूल में किया गया है, इसके प्रोसीजर बदलने थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन मान लीजिए चुनाव हार गया तो उसने जाके अपनी पार्टी चेंज कर दी, रूल थोड़े स्ट्रिक्ट करने थे ताकि हर कोई इधर उधर पार्टी ना बदलता रहे, दल बदल कानून। बी, बाकी जो गवर्नर की पावर हैं वो आर्टिकल नंबर 154 में मेंशन है, और इसमें जितनी भी उनके एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो आर्टिकल 53 में शामिल हैं। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो कि 8वें शेड्यूल के अंतर्गत नहीं ऐड की गई थी 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत? तो वहाँ पे बेसिकली चार भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगड़ी, मैथिली और सैंथली, संथाली मतलब। यहाँ पे जो मणिपुरी है उसको नहीं जोड़ा गया था बिकॉज उसको 1971 में पहले ही जोड़ लिया गया था। ऑप्शन सी, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ लोकसभा के अंदर पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर किया गया था? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है देश के पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे। डी, अब ऐसा ही क्यों? 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था जिसमें भारत को अपने कई क्षेत्र गंवाने पड़े थे, तो विपक्ष का मानना ये था कि उस समय जो देश की सरकार है वो सक्षम नहीं है देश चलाने में, इसलिए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर कर दिया गया था, हालांकि ये सफल हुआ नहीं था। बाकी प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे नंबर के पीएम बने थे 1965 में, या 66 की शुरुआत में इनका निधन हो गया था ताशकंत में जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं कई बार 1966 से उनकी डेथ यानी 1984 तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी देश का पहला लोकपाल चुना है, क्या नाम है इनका? तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन ए, इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी या फिर समिति थी 1964 में इसका गठन हुआ था, सॉरी 1964 में तो सीधे सीधे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना ही हो गई थी, तो कमेटी तो उससे पहले गठित हुई होगी लेकिन 60s में ही हुई थी, इस कमेटी का नाम क्या था? तो ये थी संथानम समिति। बी, एक और इम्पोर्टेंट समिति है अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन से आइटम के लिए लागू नहीं होता? तो कोई भी आइटम खरीदिए चाहे वो चल के जाने वाला आइटम हो या फिर फिक्स आइटम हो, सबके लिए लागू होता है, लेकिन वो वन टाइम खरीदा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खरीद के लाए और उसके बाद सेकंड हैंड आपने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया तो आप और थर्ड पार्टी इस कंज्यूमर एक्ट का कोई लाभ ले पाएंगे, ऐसा नहीं है, वन टाइम खरीदने पर ही ये लागू होता है, बाकी सेकंड हैंड आइटम पे यानी जो दोबारा से बेचे जा रहे हैं इन पे ये लागू नहीं होता। सी, सेकेंड हैंड आइटम्स। संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन रहा है जिसके तहत लोकसभा के जितने मेंबर थे उस समय 525 उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया था जो कि आज दिन तक है, और 2026 तक यही रहने की संभावना है, इससे पहले कभी भी
545 से सीटें नहीं बढ़ेंगी आगे लोकसभा में, मैक्सिमम सीटें 550 हैं जिनमें अवेलेबल 545 हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये संवैधानिक संशोधन था 31वां 1973 सी। आप जिस भी राज्य से आते हों, अपने पर्टिकुलर राज्य का जो है लोकसभा की सीटें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी अभी पपुआ न्यू गुइना के लिए हाई कमिश्नर का चुनाव किया गया है इंडिया की तरफ से, इनका नाम क्या है? तो ये हैं सुशील कुमार सिंघल। ए करंट अफेयर का एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट सेक्शन से, 91 नंबर में। अभी अभी इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर बदल लिए हैं? इनका नाम है अश्वनी भाटिया। किस बैंक ने ऐसा किया है उसका नाम बताइए। तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बी बाकी बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के नाम से ये जाना जाता था, इसका हेडक्वार्टर था गुड़गांव यानी गुरुग्राम हरियाणा में, और 1 अप्रैल 2020 से ये बंद कर दिया गया है। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चार पोजीशन होती हैं एमडी की, जिसमें तीन भरी हुई थी एक खाली हो गई थी, जो कि भर दी है अश्वनी भाटिया ने। भारत में ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर रेलवे ने अपनी पहली ट्रेन ऐसी चला दी है जिसमें 10 कोच अलग से लगेंगे सिर्फ कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए? तो ये है भारत की राजधानी नई दिल्ली। डी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है ये दिल्ली की तरीके से, और इसकी राजधानी है न्यू पौंडीचेरी, और यही पौंडीचेरी पहले पुडुचेरी का ही नाम था। इनमें से कौन है जो कि अभी अभी फिनलैंड के लिए नए राजदूत बना दिए गए हैं भारत की तरफ से? इनका नाम है रवीश कुमार, ऑप्शन सी। ये वो रवीश कुमार नहीं है जो कि फेमस जर्नलिस्ट हैं लेफ्ट विंग के, और ये रेमन मैग्सेसे अवार्डी भी हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। एक बहुत ही एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट हैं, काफ़ी समय तक सेवा कर चुके हैं रवीश कुमार, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। ये अलग पर्सनैलिटी हैं कुल मिला के। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। फिनलैंड जो है इस वजह से भी चर्चा में रहा है क्योंकि साल 2019 में उनके यहाँ एक नई प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन। इनकी एज कुल उस समय 34 साल थी जब ये पीएम बन गई, और ये किसी भी देश की सबसे ज़्यादा यंग पीएम बन चुकी हैं। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है यूरो। अभी अभी एक फेमस पर्सनालिटी का निधन हो गया है जिसका नाम है बासु चटर्जी। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फेमस डायरेक्टर थे हिंदी फिल्म के। इनकी कुछ प्रमुख मूवी हैं जिनमें 1981 में आई शौकीन है, जिसकी रिमेक बाद में अक्षय कुमार ने बनाई थी 2014 में, और इसके अलावा 1986 के आसपास आने वाली चमेली की शादी, ये भी इन्हीं का क्रिएशन है, मतलब डायरेक्ट किया था इन्होंने। तो ये थे फिल्मकार भी। इनमें से कौन है जो कि अभी अभी बाफ्टा के नए चेयरमैन के तौर पर चुने गए हैं? तो ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार, ऑप्शन ए। बाफ्टा का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न आर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तीरंदाजी के खेल में इस्तेमाल नहीं होता शूटिंग में? तो ये है लव, बिकॉज जो लव है वो टेबल टेनिस में यूज़ होता है ये दिखाने के लिए कि सामने वाले पर्सन का स्कोर 0 है, ऑप्शन बी लव। सबसे पहली बार ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में इनका आयोजन किया गया था, सी। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित होने थे जो कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कुल मिला के साल 2020 में ये आयोजित नहीं होंगे। एक फेमस किताब है इंडिया पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं ज्योतिन्द्रनाथ दीक्षित, डी। बाकी खुशवंत सिंह भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इनकी एक क्रिएशन है द ट्रेन टू पाकिस्तान।
भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक नया अवार्ड गठित किया गया था, जिसका नाम है भारत रत्न। ये कभी भी मिल सकता है आपकी लाइफ के दौरान और डेथ के बाद भी। ज़्यादातर लोगों को डेथ के बाद ही मिला है। ये कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो 2 जनवरी 1954 को। बी, सबसे पहली बार जो भारत रत्न मिला था वो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन को मिला था, जिनके नाम पर 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में। ए, जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में अब बारी आती है रीजनिंग और मैथ सेक्शन की। तो इसके बाद लगातार इन्हीं दोनों से सवाल आएंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं ट्राई करिएगा और उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नंबर 1, द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो डायगनल है डी, वो किसके बराबर है? जब आप स्क्वायर की साइड को स्क्वायर करके डबल कर देंगे तो आपको दोगुना किसका लेना है? स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी का मैंने डबल कर दिया, तब आपको यहाँ से डायगनल मिल जाएगी। ये अगर आप स्क्वायर कंसिडर करें, इसकी साइड ए है सभी, और डायगनल का मतलब जो सामने सामने के कोनों को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ दे, ये हमारी डायगनल बन गई। ये एंगल हमेशा 90 ही होता है। तो ये ए, तो ये कितना? ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a√2। तो डायगनल क्या होती है स्क्वायर की? a√2 बराबर 2a2। ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब ये हमारे किसी काम का है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में रिडंडेंट डेटा दे देते हैं जिसका आगे जाके कोई यूज़ होता नहीं है। देर इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 6। लंबाई 8 है, चौड़ाई 6। इफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका एरिया चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 × 8 = 48। अब ये जो एरिया है, इट इज़ 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए अगर हम लें, इसका 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2, ये 48 है। तो ए कितना है निकाल लीजिए, 3 16 16 का डबल 32। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर 32, जिसे लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का बना 4, 2 का बना √2। तो हमसे इन्होंने यही पूछा था कि वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी। तो ये तो आ गया 4√2, ऑप्शन बी। इस वाले एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट में बाकी के डिजिट इग्नोर हो जाते हैं, 6 बच जाता है, 6 की पावर 814। इसी तरीके से यहाँ पे केवल 8 मैटर करेगा, 3075। अब इतनी बड़ी पावर से हम डील नहीं करेंगे, हम इन दोनों पावर को छोटा करने का प्रयास करेंगे, जिसके कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं। 6 का रूल क्या होता है? 0 156 के केस में आंसर हमेशा वही आता है जो कि डिजिट है। मान लीजिए जो हमारा बेस है उसका यूनिट डिजिट 0 है, तो पूरे का यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है a⁻ m, इसका इन्होंने पूछा यूनिट डिजिट बताइए। तो अगर ए का यूनिट डिजिट, ये जो ए है ना बेस, इसका यूनिट डिजिट अगर 0, अगर 1, अगर 5 और अगर 6 है, तो आंसर कॉपी हो जाता है। तो ये 6 के केस में 6 कॉपी हो गया, काम खत्म, बस इतना ही देखते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में 6 ना हो के 0 1 5 आ जाता तो भी हम कॉपी करते, यही रूल होता है। इसके बाद 8 का रूल क्या होता है? 2 3 7 8 का रूल ये है कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके उसका फाइनल रिमाइंडर लिखो। 3 की पावर 3075, 4 7 28, 4 6 24, 4 8 32, बच गया 3।
तो 3075 को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, 6 × 8³ यानी 8³ यानी 512, 5 × 6 = 3000 और 12 × 72 यानी 3072, आखिर की प्लेस पे क्या आया? 2 आया, ऑप्शन सी। ये जो आपके पास इतने बड़े बड़े नंबर हैं, 2 की पावर 40, 5 की पावर 30, इसमें से बताइए बड़ा कौन सा है। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी कि आप सॉल्व करें और उसके बाद देख लें, आप कर ही नहीं पाएंगे इतनी बड़ी पावर। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता नहीं है, इसका भी एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो देखिए, जब पावर में वैल्यू दी हो कि बड़ी बड़ी पावर हो, तो सभी पावर्स का HCF ले लिया कीजिए, यानी ऐसा नंबर सोच लिया करिए जो कि आपकी सभी पावर को काट दें। और वो मैंने सोच लिया 10, 10 40 को भी काटता है, 30 को भी और 50 को भी, तो HCF क्या हो गया? 10। सभी पावर को HCF से डिवाइड कर दीजिए, 4 की पावर 40 बटे 10, 3 की पावर 50 बटे 10, ये 4 बना, ये 3 बना, अगेन ये 4 बना और ये 5 बना। 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 4 256, 5³ = 125, 2 की पावर 4 = 16। सबसे बड़ा कौन? 256। 256 कब आया? 4 की पावर 40 बटे 10, तो 4 की पावर 40 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। बाई एडिंग 3 times द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 3 गुना 3x, 5 times द सेकेंड 5y, स्क्वायर ऑफ द थर्ड जेड स्क्वायर एंड 3 times द फोर्थ 4k। ऐसा करने के बाद द स्क्वायर ऑफ 12 इज ऑब्टेंड, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्राप्त होता है। तो बताइए 4 कौन से ऐसे कंजेकटिव नंबर होंगे? कंजेकटिव नंबर चाहिए ना आपको, तो कंजेकटिव एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। आप चाहें तो दिए गए रूल के हिसाब से एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन बनाइए और उसे सॉल्व करिए, लेकिन उससे अच्छा मेथड है यहाँ पे ऑप्शन। आपको पहले का क्या करना है? 5 गुना, ऑप्शन ए के हिसाब से 4 × 5 = 20। दूसरे का क्या करना है? इनफैक्ट आपको दूसरे का 5 गुना चाहिए था, तो ये 5 × 5 = 25, पहले का सिर्फ 3 times यानी 3 गुना चाहिए, तो 12, 12 × 25 और उसके बाद तीसरे का आपको स्क्वायर चाहिए 36 और चौथे का 3 गुना, 7 × 3 = 21, तो 2 × 3 = 5, 2 × 7 = 8, 80, 87, 93, 94, 94 पर ही गाड़ी रुक गई जबकि आगे जाना था 144 पे। पहला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। बी के हिसाब से जाइए, 6 का ट्रिपल 18, 7 × 5 = 35, 8 का स्क्वायर 64, 9 × 3 = 27, 6 × 2 = 8, 3 × 11 = 12, 120, 8 × 5 = 13, 7 × 20 = 24, 120, 124, 144। बस मिल गया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। अगर पहला नंबर एक्स है, दूसरा वाई है, और अगर मान लिया जाए कि एक्स बड़ा है, तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेस होता है, तो x − y = 6। पहली इक्वेशन, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 120% ऑफ 200, तो 200 का क्या चाहिए? 120%, जिसे क्या लिख सकते हैं? 100% + 20%। 100% मतलब खुद 200, 20 मतलब डिवाइड बाई 5, बिकॉज 100/20 5 होता है, तो 100 से 20 बना सकते हैं बटे में 5 करके, तो 120/5 यानी 24, तो टोटल हो गया 224। अदरवाइज आप क्या करिए, 120/100 गुणे में 200 कर लीजिए। वैसे ये 20% का आंसर 24 नहीं होगा, पता है क्यों? 200 का 20% चाहिए ना आपको, तो 20% मतलब 10 का डबल, 10 यानी कि 20, डबल यानी 40, टोटल 240 होगा। इधर से भी वही आ रहा है, कैसे भी लीजिए आप। तो कुल मिला के डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस x² − y² ये है 240। इफ 3 times द लार्जर नंबर इज
वन मोर देन फोर टाइम्स द स्मॉलर, लार्जर नंबर का तीन गुना यानी एक्स का तीन गुना। ये कब मिलेगा? जब आप पुराने नंबर के चार गुना में एक जोड़ देंगे यानी फोर वाई प्लस वन। थ्री एक्स माइनस फोर वाई बराबर वन। पहली और इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसा करें अगर तो पहली में हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तीन का, तो थ्री एक्स माइनस थ्री वाई बराबर अठारह होगा। इससे हम इन दोनों को लेस कर पाएंगे, और लेस कब कर पाए? जब सब्ट्रैक्ट किया। माइनस तीन ये माइनस का प्लस बनेगा, वाई बराबर हो गया सत्रह, तो एक नंबर पक्का हो गया सत्रह। एक्स माइनस वाई ये तो छः है ही है, सत्रह दोनों के बीच का अंतर है छः, तो दूसरा पक्का तेईस होगा, ऑप्शन सी। अदरवाइज आप ऑप्शन मेथड से भी जाएंगे ना तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। फिफ्थ का हो गया सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर पे। इसको सॉल्व करिए, 529 बटे में 1.44 यानी 144 और ऊपर गया 100, नीचे से दो के बाद पॉइंट हटा तो 2.3 का होल स्क्वायर इंटू 100 बाई एक्स स्क्वायर ये होगा 529 बटे 144 गुणे में 100। वैसे 100 का करना ही क्या है, ये काट देना है हमें। 2.3 इंटू 2.3 बाई एक्स स्क्वायर, दो बार पॉइंट हटा ये 100 आया। 23 का स्क्वायर 529 पूरा कट गया, 100x² बराबर 144, x² बराबर 144 बटे 100 यानी कि 1.44। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये x बचा और ये बचा प्लस माइनस 1.2। क्यों? क्योंकि अगर 144 होता तो आंसर 12 आता, 1.44 है इसलिए 1.2, ऑप्शन बी। What will be the sum of the average of first 50 natural and first 39 even number? तो पहले 50 natural number का हम ले लेते हैं एवरेज। Natural number का एवरेज क्या होता है? सबसे पहली बात तो natural number का सम होता है n times of n plus 1 by 2। एवरेज का मतलब जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है। n से मैंने डिवाइड कर दिया यानी 1 by n से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम बात है। तो n प्लस 1 बाई टू, एन की वैल्यू 50 है तो 51 का आधा हो जाएगा 25.5। 25.5 में हम क्या जोड़ेंगे? 39 इवन नंबर का एवरेज, वो भी पहले 39। तो पहला यहाँ पे नंबर होगा इवन, दो हमेशा होता है, फिर चार, फिर छः, ऐसे करके आएगा। तो पहला नंबर कैसे लिखा है? 2 इंटू 1 की फॉर्म में, यानी 2 की वजह से तो इवन नंबर आते हैं, इसलिए 2 तो फिक्स हो गया। पहला नंबर है इसी वजह से इंटू 1। 39वां नंबर क्या होगा? 2 इंटू में 39 यानी 78। अब ये किसकी सीरीज है? एपी की, जिसमें लगातार दो एलिमेंट के बीच में प्लस 2 का ही गैप है। और एपी की सीरीज में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम पहले और आखिरी नंबर का एवरेज ले लें तो वही एवरेज पूरी सीरीज़ का बन जाता है। पहला नंबर है 2, आखिरी है 78। इनका एवरेज कैसे निकलेगा? जोड़ के आधा कर दो, सिंपल। 78 दो 80 का आधा 40, 40 25 65, 65.5 65.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ए वाला, इसके साथ आप जा सकते हैं। इफ 5 टाइम्स ऑफ 0.12% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर अगर x है तो दूसरा अगर y है, तो हमें पहले नंबर यानी x का पहले तो 5 गुना करना है, 5x हो गया, इसका लेना है 0.12%, 0.12% इसका ये हो गया इज इक्वल टू द सेकेंड, ये y के बराबर है। इफ़ द सेकेंड नंबर इज़ 2 लेस देन 1% ऑफ द फर्स्ट, ये दूसरा नंबर y आपको कब मिलेगा? जब आप पहले नंबर के 1% में से 2 कम कर दें, 1% ऑफ
एक्स माइनस टू, ये भी वाई है ये भी वाई है, इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, इसीलिए 1/100 इंटू एक्स यानी एक्स बटे 100 माइनस दो, ये बराबर हो जाएगा 5x इंटू 0.12/100 यानी 12/100 और गुणे एक और बार 100, बिकॉज पॉइंट हटा है दो डिजिट के बाद। एक्स माइनस 200/100 इज इक्वल टू 60x/100 इंटू 100, 100 गया, 100x माइनस 200 गुणे में 100 कितना हुआ, 2 × 10⁴ यानी 20,000 बराबर 60x। 100x माइनस 60x यानी कि 40x बराबर 20,000। 1 0 से ये गया, 4 ने 2,000 को 500 बार में काटा, तो एक नंबर पक्का 2 है, सॉरी एक नंबर पक्का 500 है, एक नंबर पक्का 500 किधर दिख रहा है आपको, सी में, इसी को टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी एक्स अगर 500 निकल चुका है आपका, इस वाली में रख के वाई निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, अगर आप ऑप्शन को ऐसे ही टिक नहीं करना चाहते तो। 500 का 1%, ये रहा 500, 1% निकालिए ना, 2 के बाद 0 कैंसिल करके 5 - 2 यानी 3, कर सकते थे आप ऐसे भी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए अगर किसी काम को अकेले करेगा तो उसे 8 दिन का समय लगेगा, बी को लग जाएंगे 12 दिन, तो ए को 8, बी को 12। इफ दे टेक द हेल्प ऑफ सी, दे का मतलब दोनों साथ में काम करें, यानी ए और बी तो साथ काम करें ही, सी भी आ जाए, तो टोटल कितने लोगों ने काम किया, ए बी और सी तीनों ने, तो तीनों मिलके सिर्फ 4 दिन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके सिर्फ 4 दिन लेंगे, तो बताइए टोटल काम कितना है, 8, 12 और 4 का एलसीएम, 8, 12, 4 यानी कि 24। जहाँ तक ए की बात है तो 8 दिन में 24, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24/8 यानी 3 यूनिट प्रतिदिन। ऐसे ही बी काम करेगा 24/12, 2 यूनिट प्रतिदिन। तीनों मिलके काम कितना करेंगे एक दिन में, 24/4 यानी 6। ए और बी 3 और 2 मिलके 5 करेंगे, तीनों मिलके 6 कर रहे हैं, तो ए से ए, बी से बी अगर कट गया तो सी आ गया 6 में से 5 यानी 1। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 3, बी करता है 2 और सी करता है सिर्फ 1, और इसी एक दिन में ये लोग कितना कितना यूनिट निपटाते हैं, इसी बात पे डिसाइड होता है प्रोजेक्ट का मॉनिटरी वाला जो हिसाब किताब है, कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद किसको कितने रुपए मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में 720 रुपये तीनों को कुल मिला के मिले, लेकिन हमारे हिसाब से कितने मिले, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 ना होके 720 यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 120। तो हर एक चीज़ का 120 गुना करके आप ये बता ले जाएंगे कि किसको कितने रुपए मिले हैं, और यही आपसे पूछा है। तो ए को 120 का ट्रिपल 360, बी को डबल 240 और सी को 120 का एक गुना यानी 120 रुपये मिलेंगे, 360, 240, 120। डी, इन एन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ केरोसिन, 80 लीटर का एक मिक्सचर था जिसमें एक टाइप का लिक्विड केरोसिन था और बाकी कुछ भी हो सकता है। इन्होंने खैर बता भी दिया है कि बाकी का 30% उसमें इम्प्योरिटी थी, तो ये रही इम्प्योरिटी और ये रहा प्योर केरोसिन ऑयल यानी शुद्ध मिट्टी का तेल। 30% इम्प्योरिटी थी 80 लीटर में, 10% मतलब 8, 30 मतलब ट्रिपल 8, तिहाई 24, इम्प्योरिटी 24 लीटर है और बाकी की 56 लीटर यहाँ पे प्योर जो मिट्टी का तेल है वो है 56 लीटर। हाउ मच प्योर केरोसिन शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर, इस वाले मिक्सचर में कितना प्योर केरोसिन आप और मिला दें ताकि इस वाले मिक्सचर में इम्प्योरिटी सिर्फ 15% बचे। कुल मिला के काम ये करना है कि 30% इम्प्योरिटी को 15% कम करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्योर केरोसिन ऑयल ज़्यादा ऐड कर दें। तो वही तो पूछा है कितना ज़्यादा ऐड कर दें।
आपको क्या चाहिए? इम्प्योरिटी का परसेंटेज 15, तो बाकी का 85% प्योर केरोसिन होना चाहिए। इसका मतलब तो ऊपर मैंने इम्प्योरिटी रखा है और नीचे क्या रखा है? प्योर केरोसिन ऑयल, और दोनों का रेशियो ले लिया। ये जो अपने पास डेटा है इस हिसाब से कितना रेशियो आएगा? ऊपर रखूँगा इम्प्योरिटी, उसमें कुछ करना नहीं है, तो 24 का 24 रहा, 56 में हम यहाँ पे मिला दें एक्स, मान लीजिए केरोसिन मिला दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 3 जा 5 17 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 56 का ट्रिपल 168 प्लस 3x बराबर 24 × 17, 24 × 17, 168 को क्या लिख सकते हो? 24 सत्ते, तो 24 × 17 माइनस 24 × 7, तो बचा क्या? 24 × 10, 17 में 7 गया 10, यही बराबर होगा 3x के। 8 10 80 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा प्योर केरोसिन ऑयल बी। द फर्स्ट नंबर इज 70% लेस देन दी थर्ड, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, पहले और तीसरे में कंपैरिजन हो रहा है। तो पहला नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप तीसरे वाले से 70% कम कर दें। तो अगर मान लें कि तीसरा 100 है, उसमें से 70% कम कर दिया तो 30% बच गया। रेशियो अगर ले लें, बिकॉज 100 वो नंबर हो ऐसा कुछ ज़रूरी तो है नहीं, तो ये 10 और 3 का रेशियो आ गया। अगर ये 10x है, ये 3x होगा। x का मल्टीप्लाई इस वजह से कराया क्योंकि अभी बताया कुछ भी हो सकता है, ये नंबर किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो मैंने x का करा दिया दोनों में। द सेकेंड नंबर इज 40 मोर देन दी थर्ड, दूसरा नंबर आपको तब मिलेगा जब आप पहले वाले में 40 बढ़ा देंगे, सॉरी तीसरे वाले में, यानी 10x + 40 कर देंगे। बाई वॉट परसेंटेज द थर्ड नंबर शुड बी इंक्रीज्ड, तीसरे नंबर को कितने परसेंट बढ़ा दें ताकि वो दूसरे वाले नंबर के बराबर हो जाए? तो सबसे पहले एक्स को सोचना पड़ेगा क्योंकि एक्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो एक्स आप कुछ भी रख दीजिए, अगर मैं 1 रख दूँ तो ये 3, ये 40 10 50, और ये 10 1 10, तो 10 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 जोड़ना पड़ेगा, तो 40% जोड़ना पड़ेगा। अगर ये मेथड नहीं समझे तो 100 वाला ही समझिए। अगर 100% मैंने मान लिया तीसरे वाले को, तो पहला कब मिलेगा? 70% कम करने के बाद, तो ये 30% होगा। दूसरा कब मिलेगा? जब आप तीसरे वाले में 40 जोड़ दोगे, तो 100% + 40, तो तीसरे वाले को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100% तो ये है ही है, 140% करने के लिए 40 ना जोड़ना पड़ेगा। सी, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹5 per day, ऐसी मूल धनराशि ज्ञात कीजिए जिसको उधार देने पर आपको एक दिन का ₹5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 10% के हिसाब से एक साल के लिए। एक साल के लिए क्यों? बिकॉज 10% per annum, एक साल में 10% मिलेगा। तो एक साल में दिन होते हैं 365, अगर नॉन लीप ईयर है तो, और मैथ्स के क्वेश्चन में कम से कम 365 ही मानेंगे, तो 365 × 5 3650 का आधा 1825 आपको ब्याज मिल जाएगा, जो कि 10% के बराबर होगा। आपको कितने परसेंट चाहिए? 100%, बिकॉज प्रिंसिपल हमेशा शुरू में 100% होता है। तो 10 से 100 कैसे बना? गुणे में 10, इधर भी गुणे में 10 होगा, 18,250 वो धनराशि हो जाएगी। ए, 5:20 जब समय बज रहा होगा, तो उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल कितना होगा? ये रही आर हैंड और ये रही मिनट हैंड, ये घंटे की और ये मिनट की सुई। तो 5:20 पे आप जानते हैं सिचुएशन होती है, ये 5 और ये 4, घंटे की सुई होती है 5 पे, मिनट की 4 पे, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस हमेशा 30 डिग्री के बराबर होता है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। 1 का डिफरेंस मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका अप्रॉक्सीमेट एंगल निकल चुका है, लेकिन हमें निकालना है एग्जैक्ट।
एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि घंटे किस भी बड़ी है कि मिनट की। तो 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5 ना, यानी घंटे की सुई बड़ी है, बिकॉज उसी के पास 5 है। अगर घंटे की सुई बड़ी है तो जितने भी मिनट आपको दिए हैं उसका आधा और जोड़ लीजिए। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, बिकॉज 5 बज के 20 मिनट, 20 का आधा 10 हुआ, 30 और 10 40 हुआ। ऑप्शन डी। शुभम इज टॉलर देन वेदा, और उसके बाद कई सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि पूछ क्या रहे हैं आखिर में। हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा व्यक्ति वही होगा जो किसी से छोटा ना हो। तो जो भी बंदा किसी ना किसी से छोटा मिला वो सबसे लंबा तो नहीं हो सकता है, उसे हमें ऑप्शन में से हटाना पड़ेगा। शुभम वेद से लंबा है, इसका मतलब वेद छोटा हो गया उससे, और अगर वेद छोटा हो गया तो आंसर नहीं होगा। लेकिन वेद अपने ऑप्शन में है नहीं, तो हम काट नहीं पाएंगे उस ऑप्शन को, बिकॉज वो है ही नहीं। वेद शाश्वत से छोटा है, तो वेद जब खुद ही कैंसिल हैं तो इनकी क्या आगे बात करें। वैभवी रौनक से लंबी हैं, इसका मतलब रौनक उससे छोटा है ना, तो बस रौनक यहाँ से आउट। लेकिन वेद से छोटी है वैभवी, वेद से भी छोटी है जिसको पहले ही हम लोग हटा चुके हैं। तो अगर वैभवी भी रही होती तो ये भी हट जाती है हमारी लिस्ट से, लेकिन वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यदि शाश्वत शुभम से छोटा है तो शुभम उससे बड़ा है, शाश्वत छोटा निकल गया तो वो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? शाश्वत यहाँ से हट गया, तो शाश्वत अगर पहली चॉइस नहीं है तो वो दूसरी भी कैसे हो सकती है? ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंसर होगा शुभम। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सिम्मी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर लीजिए, मेरे दादा के इकलौते पोते। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो अपने दादा का इकलौता पोता है, इसका मतलब वो स्वयं अपनी ही बात कर रहा है। अगर कोई पुरुष ये कहता है कि मेरे दादा के इकलौते पोते, इसका मतलब वो स्वयं अपनी बात कर रहा है। आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे दादा के इकलौते पोते यानी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के ससुर यानी मेरे पिताजी। तो सिम्मी का उस आदमी से क्या संबंध है? वह उसका पुत्र है, बिकॉज वो जो आदमी है वो उसका पिता है। ऑप्शन सी। शिवम ट्रेवल 60 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। मान लीजिए इस पॉइंट से उसने अपना जो है चलना शुरू किया, और उसके बाद वो सीधे नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ 60 मीटर गया, और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है। ही टर्न्स लेफ्ट, आप ऐसे गए थे, इधर जाने के बाद लेफ्ट आप इधर आएंगे। 35 मीटर गया, यहाँ पे रुका। 35 मीटर जाने के बाद वो एक बार फिर लेफ्ट मुड़ा, ऐसे गए थे, लेफ्ट आएंगे तो नीचे आएंगे और जाएंगे 50 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस 60 है, तो 50 मतलब इससे छोटा डिस्टेंस, ये हो गया। इधर वो इस समय रुका हुआ है। फाइनली ही टर्न्स टू इज़ राइट, आप ऐसे गए थे, राइट मुड़ने के लिए क्या करिएगा? ऐसे जाइएगा। ऐसे फ़िलहाल वो चल रहा है, और आपसे पूछा है कि जब वो ऐसे चल रहा है तब वो किधर जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है, सीधे से दिख रहा है ऐसे। ऑप्शन डी, वेस्ट। इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ एक फिगर में आते हैं? तो पहला नंबर तो ये 3 है, बिकॉज ये इस वाले रेक्टेंगल के अलावा और किसी फिगर में नहीं है। दूसरा नंबर ये 2 हो गया, जो इस सर्कल के अलावा और कहीं नहीं आपको दिखेगा। तीसरा हो गया 10, जो कि इस वाले रेक्टेंगल के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। तो 3, 2 और 10। सी। इफ कम हेयर इज रिटन एज ना पा, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं इस पर्टिकुलर कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवाल के लिए, और आपसे पूछा है हियर का कोड इसमें क्या होगा। तो कम हियर और कम एंड सिट, कम यहाँ से कॉमन निकला कि नहीं, और इधर है ना पा और इधर है पा हा ला, तो इधर हो गया पा। तो कम हमने यूज़ कर लिया पा के लिए, इक्वेशन नंबर 1। कम अगर हमने पा के लिए यूज़ कर लिया तो हियर पक्का ना के लिए यूज़ करेंगे। हियर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ना। दूसरी क्वेश्चन, हियर को क्या लिखेंगे? बस यही तो आपसे पूछ रहे थे, तो क्या लिखेंगे? ना।
ऑप्शन ए। इतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो गया, हालांकि अगर कुछ और पूछते तो हो सकता है आपको आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आंसर आता ज़रूर। इस वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू बताइए, तो 5 और 10 के बीच में 5 का गैप, 20 10 के बीच में 10 का, 37 20 के बीच में 17 का, इधर 5 10 के बीच में 5 का, 17 10 के बीच में 7 का। तो पहले 5 का गैप, फिर 7 का, इसका मतलब 2 से बढ़ गया। आगे अगर हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, गैप को 2 से बढ़ा दें, तो 7 2 बढ़ के क्या देगा, 9 देगा, ये 17 9 26 हो जाएगा, ये 26 जो है 37 में जुड़ जाएगा, 37 और 26 हो जाएगा 63 बी। बाकी आप आगे 100 को कंसिडर करके इस पूरी सीरीज़ को चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 37 के बाद 63, तो ये गैप हुआ 24 का, 17 7 24, उसके बाद 9 का गैप होना चाहिए, ये 33 होना था, सॉरी ये 17 9 26 होना था, और उसके बाद 63 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 63 और 100 के बीच में, मतलब 37 का ना, तो 26 11 37, तो पहले 9 का गैप लिए थे, अभी 11 का ले रहे हैं, तो बस ये सीरीज़ परफेक्ट चल रही है। ये वाला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेटर से है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेकिन जो ऑपरेटर इधर है वो यूज़ आप नहीं करेंगे, आप वो वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। 18 5 के बीच में है इंटू, इंटू का मतलब यहाँ से है प्लस, 18 प्लस 5, 5 और 7 के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब है माइनस, तो 5 माइनस 7, 7 और 4 के बीच में माइनस है जिसका मतलब है डिवाइड बाई, तो 7 डिवाइड बाई 4, और फिर है 4 6 के बीच में डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब है इंटू, इंटू में 6, तो 18 प्लस 5 माइनस 7 बाई 4 इंटू 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, 18 प्लस 5 माइनस 21/2 यानी 10.5, 23 में से 10.5 गया तो कितना बचा भाई, अगर 10 चला जाता तो 13 बचता, 0.5 और गया तो 12.5 बचेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये करिए एनालॉगी से, जिस तरीके से 8 का संबंध 9 के साथ है, 27 का 16 के साथ है, तो 25 का संबंध किसके साथ होगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और ये 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करिए, इस टू का साइन ऐसे है, तो इस टू के इस तरफ वाले एलिमेंट को कंपेयर करिए, ये वाला जो इस टू का साइन है इसके इस तरफ है 2, तो 2 का क्यूब इस वाले के इस तरफ है 27 यानी 3 का क्यूब, तो पहले 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब, उसके बाद 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इस टू के इस तरफ हमेशा क्यूब की पोजीशन आनी है, तो 2 का क्यूब ले चुके, 3 का ले चुके, अब लेंगे 4 का क्यूब यानी 64 सी। सीरीज़ को आगे वेरीफाई कर सकते हैं, पहले 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर लिया तो है, तो क्यूब की पोजीशन खाली थी। जिस तरीके से हाथी का संबंध मंद मंद चलने से है, तो उल्लू का संबंध किसके साथ होगा। हम सभी को पता है कि हाथी बहुत भारी जानवर होता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो उल्लू क्या करता है, एक ऑप्शन अगर ऐसा होता वो रात में निकलता है तो उसी को टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे रात में निकलने के अलावा उल्लू और क्या करता है, तो वो मंडराता है, ऑप्शन ए। यदि किसी महीने का 27वां दिन गुरुवार है, तो और कब कब गुरुवार पड़ा होगा ये बताइए। 27 को फिर 7 दिन पहले, 20 को एक और 7 दिन पहले, 13 को और एक और 7 दिन पहले, 6 को गुरुवार पड़ा होगा। तो हमने क्या देखा कि छठा दिन हमारा गुरुवार है, तो पूछा है चौथा दिन, तो 5वां दिन गुरुवार से एक कम, वेडनेसडे यानी बुधवार, चौथा चाहिए तो एक और कम यानी ट्यूसडे, मंगलवार सी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन से, एक्स का वैल्यू बताइए यहाँ से, तो ये देखिए 64, ये 8 है, ये 4 है, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे कंसंट्रेट करिएगा। 8 और 4 के बीच में गैप है 4 का, जिसका क्यूब लेने पर 64 बन गया है, क्या
क्या इस लॉजिक को हम यहाँ लगा पाएंगे? चलिए चेक करते हैं। 9 और 3 के बीच में गैप है 6 का, जिसका क्यूब लेने पर 216 आता है और वही दिया है। उसके बाद इस वाले पोर्शन में इस लॉजिक को लगा के देखते हैं। देखिए 5 और 2 के बीच में 3 का क्यूब गैप आता है, जिसका क्यूब लेने पर 27 मिलता है और वही है। इधर भी सेम लॉजिक लगाएंगे, 6 और 2 के बीच में 4 का गैप है, जिसका क्यूब लेने पर 64 आता है। बी